भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन के पारियों की मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 165 रनों का स्कोर खड़ा किया। स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर धवन के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शाह पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद संभल कर खेलते हुए कप्तान शिखर धवन और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। टीम इंडिया की तरफ से दूसरे विकेट के लिए धवन और सैमसन के बीच 51 रनों की साझेदारी हुई। एक समय शिखर धवन और संजू सैमसन का आक्रामक अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था यह दोनों बल्लेबाज आसानी से शतक बना लेंगे, लेकिन तेज गति से रन बनाने की कोशिश में सैमसन और धवन आउट हो गए। संजू सैमसन ने 27 रन जबकि शिखर धवन 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। कुल 113 रन तक पृथ्वी शाह, संजू सैमसन और शिखर धवन जैसे तीन दिग्गज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी दबाव में आ गई। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मध्यक्रम बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात कर श्रीलंकाई गेंदबाजों को बैक फुट पर धकेल दिया। यादव की धुआंधार बल्लेबाजी देखकर श्रीलंकाई टीम के दिग्गज गेंदबाज भी थर थर कांपने लगे। 5 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर यादव आउट हुए। यादव के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या से भारतीय फैंस को तूफानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर हार्दिक पांड्या बड़ी पारी खेलने से चूक गए। कुल 12 गेंदों का सामना करने के बावजूद हार्दिक पांड्या मात्र 10 रन बनाकर चलते बने। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो आने वाले मैचों में हार्दिक पांड्या असफल रहे तो टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं। भारत की तरफ से छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए।